चम चम के साहा था मैं मेहंदी राचनी ओढ़ के चोट। मेकअप खराब तो नहीं हो जाएगा? मेरा मेकअप तो नहीं खराब हो जाएगा? लगा ना तहरे में मुश्किल होता है वीडियो शूट करना, यहाँ पे इतने से जगह में सब कुछ मैनेज करना, देखो वहाँ पे सब भी रखा होता है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें और अपनी शेयर कर। यहाँ पे बहुत कुछ है, मैं आपको दस दस रुपये का भाई इतना बहुत अच्छा लगा। ये आपने पहना था वही वाला है? ये मस्त लग रहा है, ये गोल्डन में चाहिए था मुझे छोटा सा एक। कौन सा छोटी आपका है? अच्छा लग रहा है, आपकी साइज थोड़ी छोटी है ना, मेरे को सब काम आ जाता है। और ये किसके बाबू लोग के लिए? वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम पूनम एंड ग्लैम विद पूनम लाइफ स्टाइल। तो गाइस आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस मैं अगेन आज एक मेकअप वीडियो शूट करने के लिए आई हूँ, तो इसके लिए मैंने सोचा कि ब्लॉग भी स्टार्ट कर देता है ताकि कुछ और भी थोड़े बहुत वीडियोज़ बन पाए। और सेकेंड थिंग, मेरे बाल थोड़े से खराब, मतलब ख़राब नहीं है, सूखे हैं, मैंने बाल को कोम नहीं किया है। और मैं जनरली मैं तो सोचती हूँ कि मैं हमेशा ब्लॉगिंग दोपहर के टाइम पे स्टार्ट कर दूँ, एटलीस्ट कुछ अच्छी चाह रहे हैं मतलब चीज़ें लेके आऊँ। देख सकते हैं अभी आप, धूप चली गई ऑलमोस्ट, अभी बज रहे हैं कुछ साढ़े पाँच बज चुके हैं, तो अभी शाम हो ही रहा है, बस हल्की फुल्की सी धूप है। पिछले बार जब भी नवरात्रि में मैं वीडियो शूट करना चाहती थी, जैसे कि मैंने देखा, आप लोग ने देखा हुआ लाल कलर का जो मैंने कुर्ती पहना, तो उस टाइम पर मैंने बोला था कि बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, लिटरली उस टाइम पर इतनी ज़्यादा क्या ही बोलूँ, कैसा टेम्परेचर था, वो इतना ज़्यादा हाई था ना, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि वो बर्दाश्त के बाहर हो रही थी उस टाइम पर, इसलिए मैं मेकअप शूट नहीं कर पाई थी। मैंने एक बहुत ही नॉर्मल सा एक आई थिंक मैंने लाइनर लगाया था, लिपस्टिक लगाया था और बाल को थोड़ा बहुत कोम वोम करके वैसे मैंने वीडियो शूट किया था। और इस बार लेकिन मेरे पास टाइम था, मतलब टाइम मतलब कुछ रीज़न से नहीं कर पाई, लेकिन हाँ, लेकिन अभी का जो मौसम है ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो इसके लिए रिलैक्स हूँ मैं। तो अभी वीडियो शूट करती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ वरना अंधेरा हो जाएगा, वैसे अंधेरा होने ही वाला है। तो अभी मुझे बहुत कुछ प्रिपरेशन करना है क्योंकि जो आज का लुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से ना, बहुत मतलब हर बार से थोड़ा सा अलग बनाने वाली हूँ। तो होप सो आप लोग बहुत सारा प्यार देंगे। अगर आपके घर में बहन, आपकी चाची, आपकी मामी, काकी जो भी होंगी ना, प्लीज़ उसके साथ में शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लॉग्स होता है वो लड़कियाँ ज़्यादा देखना पसंद करती है, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा जो हाउस वाइफ है उनके पास टाइम होता है थोड़ा बहुत, तो हमारे पास मतलब कि जो वर्किंग मतलब घर से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के फ़ोन यूज़ कर ही लेती थी घर में। इसके लिए बोल रही हूँ कि आपके घर में जो फ्रेंड्स होंगे, आप फीमेल फ्रेंड्स मतलब कि आपकी चाची, मामी, काकी, जो भी रिलेटिव्स में होंगे उनके साथ में शेयर कीजिए। वैसे चीज़ और भी दिखाऊंगी, ये भी खास करके फीमेल्स के लिए ही है क्योंकि वो घरेलू होती है तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पता होगी, लड़कों को शायद ये चीज़ ना पता होता हूँ क्या है ये, तो ये है ये चीज़। तो जो भी नॉर्थ के हैं उनको पता है कि ये सब्जी में पड़ता है, तो इसके लिए यहाँ पे बनाया गया था। और अभी देखिए, हाँ ठीक है, बहुत रिलैक्स है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो चलो अभी फटाफट से वीडियो शूट करते हैं, एक नया मेकअप थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छा लगेगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, होप सो। और अच्छा लगे तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके जाना। और एक चीज़, हाँ मिस में ना एक मैं कल अलग वीडियो शूट कर रही थी, मतलब कि मेरा स्किन पैम्परिंग का ये सब चीज़ें, लेकिन वो कर नहीं पाई क्योंकि जब मैं वैक्सिंग करने लगी तो इतना ज़्यादा गर्मी था कि वैक्स मतलब कि नहीं हो पाया, तो फिर इस वीडियो को मैंने वहीं पर ख़त्म कर दिया। आगे शायद मैं करूँ क्योंकि मैंने किया ही नहीं है, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम वो वीडियो कंटिन्यू होगा या फिर उसको मैं नहीं करूँगी, देखते हैं। लेकिन अभी छोटा फटाफट से वीडियो शूट करते हैं।
लगा लिया है और ये खराब ना हो ना ऐसा हो नहीं सकता है, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है हाथ में। वैसे ना मुझे नेल पेंट लगाना हाथ में क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि एक ही रीज़न है, क्योंकि ये नेल पेंट जब निकलने लगते तो हाथ बहुत गंदे लगते हैं, तो इसके लिए मैं लगाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन अब भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये सारी कटोरियाँ रखी है, कितनी संख्या ली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये। तो ये भाजी में जब फ्राई करते तब ये डाला जाता है, आपको पता ही होगा अगर आप नॉर्थ के हैं। और वैसे तो लोग ज़्यादातर गांव में ही डलवाते हैं, गांव में ही डालते हैं, लेकिन मम्मी ने हमेशा यहाँ पे डाला है, बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं। तो इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है ना, फिलहाल इतनी नहीं आ रही, शायद तीखी नहीं बनी लग रहा पता नहीं, पर इतनी नहीं आ रही इस बार, नहीं तो हर बार बहुत ज़्यादा आती है। ये ज़्यादा गीली है, आज ही डाला है, इसके लिए शायद ये भी हो सकता है। और तो आज का लुक पता नहीं, पहले ये सूख जाए अच्छे से, क्योंकि हर बार ख़राब होता है मेरा, हर बार मतलब हर बार ही ख़राब हो जाता है। उसके बाद मैं स्ट्रेटनिंग करूँगी, इसके बाद फिर मैं मेकअप का पेंट है वो सूख चुका है। और मैं खा रही हूँ यहाँ पे पेरू, मतलब कि अमरूद क्योंकि कुछ लोग शायद इसे अमरूद ही बोलते हैं। तो ये अभी भी रोशनी है, लेकिन मैं हालांकि मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है फेसबुक पर, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, पर दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं काम नहीं कर पाती थी अभी टाइम पे, मेरे तो कुछ समझा है, बहुत गुस्सा आ रहा है इसके लिए। और क्या ही बोलूँ मैं, मेरा मूड ऑफ हो गया क्योंकि मेरा एक वीडियो नहीं जा पा रहा है यूट्यूब सॉरी फेसबुक पे, तो पता नहीं क्या एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करो, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्योंकि इसके पहले भी मेरा त्रिंबकेश्वर वाला ब्लॉग्स नहीं जा पाए हैं, तो प्लीज़ अगर आपको पता है तो प्लीज़ हेल्प कीजिए मेरी। और ये बहुत मीठा है, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा, आई लव, मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा ही पेरू पसंद है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एक पेरू और एक कच्चा आम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ऑलरेडी 2 खा चुका था इसका हिस्सा, 2 मैं नमक लगा के भी खा रही हूँ, बहुत टेस्टी। आज का वेदर ऐसा हो चुका है जैसे लग रहा है कि बारिश होने वाली है, हालांकि कोई बारिश नहीं होगी। आजकल यूं ही इस तरह का मौसम बन रखा है कि जैसा लगता है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं होने वाली है। और मेरा ये फिनिश हो चुका है, अभी मैं स्ट्रेटनिंग करके थोड़ा सा साड़ी वेयर करूँगी और देखती हूँ मैं कितना अच्छा शूट कर पाती हूँ, मैंने कितना सोच के रखा कितना हो पाता है। सामान निकालो, कुछ मैंने यहाँ पे भी रखे हैं ये सारे डब्बे। और आज मैं, आप समझ जाओ, मैं यहाँ पे आज आलता भी लगाने वाली हूँ, कुछ तो डिफरेंट होगा इस मेकअप में, आप समझ ही जाओ। तो चलो फटाफट से भी फटाफट से भी फटाफट से ड्रेस चेंज करूँगी और उसके बाद मेकअप करूँगी। सबसे बड़ा मुश्किल वाला काम सबसे पहले मेरे लिए मेरा साड़ी वेयर करना, उससे रैप करना अपने, और सेकेंड थिंग जो है वो मेरा ट्राईपॉड सेट करना, जो बड़ा वाला ट्राईपॉड है वो मैं लगाऊंगी और साथ में रिंग लाइट भी लगाऊंगी ताकि अच्छे से अच्छा लुक क्रिएट कर सकूं और एक अच्छी क्वालिटी दे सकूं। और खास से वो सबसे बहुत झमेले वाला काम है, पूरा वायरिंग सेटअप करना, पूरा सब कुछ करना, वो सबसे मुश्किल है, बाकी तो कुछ इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो ट्राईपॉड लगाना मेरे को बहुत बहुत ये लगता है। तो पहले भी वो काम कर लेते तो उसके बाद बात करते हैं। ऑलरेडी इतना सेटअप मेरा सब कुछ रेडी हो चुका है, अभी बस मेकअप करना और रील्स बनाने हैं। तो उससे पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पे जो पूरा पटा पिटारा है वो कैसा हाल है यहाँ का।
यहाँ पे मैंने अपना सारा सेटअप लगा लिया, अब बारी आती है मेकअप करने की। तो यहाँ पे जो मेकअप का वीडियो है वो अलग से आएगा, तो आप लोग वो जाके देखना। ये लुक बहुत डिफरेंट है बाकी लुक से, तो मुझे ऐसा लगता है आपने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत क्लिप देखा ही है यहाँ वहाँ इस वीडियो के थ्रू, तो आप लोग जाके देखना। ये वीडियो भी, मेकअप वाला वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है मेरे लिए, तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। यहाँ पे बहुत कुछ है, मैं आपको दस दस रुपए का भाई इतना बहुत सलाह होना। गोवा में जिससे जाए पे पहने की इच्छा है ना, दस रुपए तो खाए, मेकअप खराब तो नहीं हो जाएगा, मेरा मेकअप तो नहीं खराब हो जाएगा। अब तो लगा ना तहरे में, ये आपने पहना तो वही वाला है, ये मस्त लग रहा है, ये गोल्डन में चाहिए था मुझे छोटा सा। कौन सा चूड़ी आपका है? अच्छा लग रहा है, आपकी साइज थोड़ी छोटी है ना, मेरे को सब काम आ जाता है। और ये किसके बाबू लोग के लिए? अच्छा देखा था ये, देखिए तो यहाँ पे मेरा फाइनल शूट एक खास जो था जिसके लिए मैंने सारा मेकअप किया था वो हो चुका है। आपको पूरा डिटेल में वीडियो देखना है तो बहुत सारे रील्स में डालूंगी, शॉर्ट वीडियो या फिर फेसबुक पे या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, तो प्लीज जाके देखिएगा, बहुत स्पेशल है वीडियो। गाइस मेरी हालत टाइट हो चुकी है, मैं सुबह दोपहर के कुछ 5:30 बजे से वीडियो शूट करना स्टार्ट की थी और अभी बज रहे 10:30-11 होने आए हैं। पूरा बैक पेन हो रहा है, पर मुझे अभी एक शूट बाकी है मेरा, वो है मेरे पैर में महावर लगाना, वो मैं ज़रूर चाहती कि मैं लगा के करूँ वो चीज़। काफ़ी अच्छी लग रही थी वो लुक, लुक अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगेगा जब मैं डालूँगी। तो मेरी पूरी बैंड बजी है, मेरे कमर में बहुत बैक पेन है, बट मुझे थोड़ा सा और काम करना है। और ये साड़ी कुछ ऐसी लग रही है, प्लीज़ मुझे आप लोग कॉमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। तो पहले मैं ये काम कर रही थी, एक महावर वाला काम बाकी है, उसके बाद मेरा शूट ख़त्म हो जाएगा। एक लास्ट वीडियो बाकी है मेरा, वो करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं है, तो मुझे करना है, कैसे भी एडजस्ट करना, डिलीट करके जो भी करना है, लेकिन मुझे करना है। तो अभी मैं ये महावर लगाने जा रही हूँ, पीछे टेबल रखा, उस पर कौरोड़ी रखी हुई है। और मैं अब उसके लिए मैं यहाँ पे खास करके महावर लगा रही हूँ, आप पूरा जाके शॉर्ट वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ जाके देखिए और खूब सारा लाइक। तो गाइस कल जो मैंने शूट किया उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ब्लॉग कुछ भी कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाई थी। करीबन मैं पूरा जो मेहनत था ओवरऑल मेरा कुछ 4 से 4.5 घंटे का कुछ मेहनत था वो कल का। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही एडिटिंग, फिर रात को थोड़ा बहुत एडिटिंग किया कि मैंने वीडियो डाला था रात सुबह के टाइम पे फेसबुक पे, तो उसके लिए मुझे कुछ पूरा खाना पीना सब कुछ लेके काम करके मुझे कुछ 12-1 बज गए थे। तो इसके लिए बहुत मुश्किल था सारे चीज़, मैंने जो भी था मैंने इस वीडियो में दिखाया, कुछ चीज़ें मैं नहीं दिखा पाई। लाइक मैं ट्राइपॉड को यहाँ पे ज़मीन पर सुला के अपना फ़ोटो ले रही थी, खुद से वो चीज़ लेना वो बहुत मुश्किल वाला काम था, लेकिन मैंने किया थोड़ा बहुत कोशिश किया। तो आपको अच्छा लगे ब्लॉग तो प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है, एक वीडियो को लाइक कर दो, आपके एक लाइक से कुछ मेरे को पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, बस अप्रिशिएट होगा, दिल खुश होगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसके लिए बोल रही हूँ। और बहुत सारा प्यार दीजिए मेरा, मतलब मेरे सर में इतना दर्द था कल, आँखों के सामने एकदम से ब्लर हो रहा था, लेकिन मुझे था कि मुझे करना ही करना है, वो खड़े होकर हमें रील्स बनाना, बैक पेन होना, सब कुछ था, लेकिन फिर मैंने किया। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड खूब सारा सब्सक्राइब करके जो आपके फ्रेंड्स आपके फैमिली में शेयर कीजिए इस वीडियो को। फेसबुक पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो जाके फॉलो कर सकते हैं पूनम मौर्य करके यहाँ पे मेरा जो आईडी है वो, और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है ग्लैम विद पूनम, तो आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और ढेर सारा प्यार आप सभी को भी, थैंक यू सो मच। तो जय हिंद।